कलर्स टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो इश्क में मरजावा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आने वाले एपिसोड्स में आप सबको देखने मिलेगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स, जहां आरोही बदले के मिशन के साथ घबराई हुई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जल्द ही आरोही की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो जहां करना उन्हें ये बताते हैं कि आरोही मुठभेड़ में मर गई थी और अब वो जिंदा नहीं है। हालांकि दीप को अभी तक तारा पर आरोही होने का शक है, जहां दीप तारा उर्फ आरोही से मिलते हैं, जहां वो कांच पर आरोही के फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। जहां अब अफसोस की बात यह है कि दीप को तारा उर्फ आरोही के उंगलियों के निशान मिलेंगे, जो कि आरोही से मेल खाते होंगे, जो कि अब इस शो का सबसे बड़ा मोड़ होगा। जी हाँ, हालांकि दीप आरोही के बारे में जान जाते हैं कि बदला लेने के लिए वो तारा के रूप में उनके साथ रह रही है, तो वहीं जहां आरोही इस सच से अभी तक अनजान है, तो अब क्या आरोही दीप के इस ईवल गेम में फंस जाएगी या एक बार फिर आरोही दीप को बेवकूफ बनाएगी? ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। तो शो में आगे और इंटरेस्टिंग क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कलर्स टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो इश्क में मरजावा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आने वाले एपिसोड्स में आप सबको देखने मिलेगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स, जहां आरोही बदले के मिशन के साथ घबराई हुई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जल्द ही आरोही की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो जहां करना उन्हें ये बताते हैं कि आरोही मुठभेड़ में मर गई थी और अब वो जिंदा नहीं है। हालांकि दीप को अभी तक तारा पर आरोही होने का शक है, जहां दीप तारा उर्फ आरोही से मिलते हैं, जहां वो कांच पर आरोही के फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। जहां अब अफसोस की बात यह है कि दीप को तारा उर्फ आरोही के उंगलियों के निशान मिलेंगे, जो कि आरोही से मेल खाते होंगे, जो कि अब इस शो का सबसे बड़ा मोड़ होगा। जी हाँ, हालांकि दीप आरोही के बारे में जान जाते हैं कि बदला लेने के लिए वो तारा के रूप में उनके साथ रह रही है, तो वहीं जहां आरोही इस सच से अभी तक अनजान है, तो अब क्या आरोही दीप के इस ईवल गेम में फंस जाएगी या एक बार फिर आरोही दीप को बेवकूफ बनाएगी? ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। तो शो में आगे और इंटरेस्टिंग क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।